आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है बल्कि ऑडियंस को भी ये फिल्म काफी ज्यादा पसंद आ रही है। क्रिटिक्स ने भी फिल्म की तारीफ की है और अब आलिया भट्ट की फिल्म को अमूल का ट्रिब्यूट भी मिल चुका है। अमूल ने अपने नए पोस्टर में आलिया भट्ट का गंगूबाई अवतार फीचर किया। इस पोस्टर को देखकर आलिया भट्ट अपना उत्साह नहीं संभाल पाई। उन्होंने ये पोस्टर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा, ओ माय गॉड। बॉलीवुड स्टार कपल रणवीर दीपिका को रिसेंटली एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया जिसमें वो व्हाइट आउटफिट में साथ चलते नजर आए थे। दोनों अपनी एक अलग ही दुनिया में थे और बातचीत में बिजी थे। वह लेकिन कुछ लोगों को दोनों का आउटफिट कुछ खास पसंद नहीं आया तो वही कुछ लोगों ने दीपिका को मास्क नहीं पहनने की वजह से ट्रोल कर दिया। 1 मार्च को पूरे देश में महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। ऐसे में बॉलीवुड स्टार्स भी पीछे नहीं है। अजय देवगन से लेकर मौनी रॉय तक कई फिल्म स्टार्स हैं जो शिव जी के बड़े भक्त हैं। सभी ने अपने फैंस को विश किया है। डालिए उन पोस्ट पर एक नजर। आलिया भट्ट की हालिया रिलीज फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को खूब तारीफ मिल रही है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की तारीफ के बाद तेलुगु सुपरस्टार सामंता रुथ प्रभु भी इस फिल्म आलिया और संजय लीला भंसाली की मुरीद हो गई है। उन्होंने दिल खोलकर आलिया की परफॉर्मेंस की तारीफ की। उन्होंने इस फिल्म और आलिया को मास्टरपीस कहा है। सलमान खान हाल ही में अपने दबंग टूर से लौटे। इससे पहले उन्होंने अपनी फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग दिल्ली में पूरी की। दिल्ली से लौटने के बाद अब सलमान खान अपनी फिल्म कभी कभी दिवाली की शूटिंग करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान अप्रैल के पहले हफ्ते में प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला की फिल्म कभी ईद कभी दिवाली की शूटिंग शुरू करेंगे। सलमान के साथ लीड रोल में पूजा हेगड़े दिखाई देंगी। पहली बार दोनों एक साथ काम करने वाले हैं। फैंस इस न्यूज से काफी एक्साइटेड हैं। इविल सॉन्ग मार खाएगा में दर्शकों के सामने हीरो अक्षय कुमार को बच्चन पांडे के रूप में पेश करने के बाद अब इस फिल्म का दूसरा गाना मेरी जान रिलीज हो चुका है। अक्षय कुमार और कृति सैनन का ये ट्रैक फैंस को इम्प्रेस कर रहा है तो वही दोनों की इलेक्ट्रीफाइंग केमिस्ट्री भी देखी जा सकती है। सारा अली खान ने अपने इंस्टाग्राम पर मचाई धूम। अलग अलग वीडियोस शेयर कर दिखाया खूबसूरत ट्रैवल व्लॉग। डालिए एक नजर। नमस्ते दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हैं वी आर ऑन अ शिकारा मनान विद सारा एंड सारा। ताजी हवा, दुनिया इज प्यारा, यहाँ चैन एंड सुकून इज योर ओनली चारा। थैंक यू दर्शकों। नमस्ते दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हैं आई एम ऑन अ बोट a little bit chilly without my coat. If I throw her in the water, she will float. But I won't do that. To her, there is love and coat. एक्ट्रेस आलिया भट्ट की हालिया रिलीज फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी सिनेमा घरों में धमाल मचा रही है। फिल्म में आलिया के अलावा कई और स्टार्स भी है। जहां अजय देवगन ने फिल्म में कैमियो रोल प्ले किया है और इसके लिए उन्होंने आलिया की फीस के आधे से ज्यादा पैसे लिए हैं। जी हां, नवभारत टाइम्स के रिपोर्ट्स के मुताबिक चंद मिनटों के कैमियो रोल के लिए एक्टर ने 11 करोड़ रुपए लिए थे। पूरे देश में हिंदू धर्म के बड़े पर्व महाशिवरात्रि को लेकर उत्साह है। इस मौके पर कुणाल खेमू ने एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया जिसमें वो सुहाली खान के साथ पूजा करते नजर आ रहे हैं और शंख बजाते दिख रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि नन्ही इनाया भी पूजा करते हुए देखे जा सकती है। डालिए वीडियो पर एक नजर। सूद ने अपने बचपन के दिनों को किया ताज़ा। शेयर किया ऐसा वीडियो कि आप भी देखते रह जाओगे। डालिए वीडियो पर एक नज़र। अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइजेस आर द बेस्ट एंड रोइंग स्पेशली यू कैन बर्न लॉट ऑफ कैलोरीज एंड आई हैव बीन डूइंग इट फॉर क्वाइट सम टाइम। यू कैन आल्सो ट्राई दैट।